134 के फार्म है, वो आगे की क्या प्रक्रिया है आपने? मैं संगीता, नोडल ऑफिसर यहाँ पर बनाई गई हूँ। हमारे पास 3638 सीट्स के लिए 134 ए के तहत फार्म भरे जाएंगे। टोटल स्कूल हमारे पास 171 हैं, जिसमें से 120 का ब्यौरा आ चुका है। 51 स्कूल अभी ऐसे बचे हैं जिन्होंने अभी कोई सीट्स का ब्यौरा नहीं दिया। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी मैडम आपकी? उनको हमने विभागीय मेल कर दी है आदेशों के अनुसार, और कुछ अभी देने लगे हैं सीट्स का ब्यौरा अपना, तो जैसे ही पूरा हो जाएगा हम उसके बारे में इनको ऐड कर लेंगे, और जो स्कूल अभी नहीं दे रहे हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जो आवेदन आप जो 134 के अभ्याग आ रहे हैं, तो उनको आप क्या बता रहे हैं, किस तरह से आगे अपने आवेदन कर सकते हैं? सारा काम ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, पेरेंट्स स्वयं जाके इसको भरवाएंगे। कैसे, क्या कोई साइट है आपकी या किस तरह से करने के लिए? साइट है http://http://13.250.3.236/Haryana। तो इस साइट पर जाकर अभिभावक ऑनलाइन कर सकते हैं। कब हुई मैम ये प्रक्रिया? ये आज ही हमें आदेश हुए हैं, आज से ही प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और 4 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। अभिभावक कैफे पे जाकर इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं या वो स्वयं अपने फोन वगैरह से भी इसको ऑनलाइन। आगे की प्रक्रिया क्या है पूरा? ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे सभी जो है बच्चों के, जो जिन्होंने 134 के तहत अप्लाई किया है जी, और उसके बाद जो है रिक्त सीटों का ब्यौरा जो कमेटी ने सभी स्कूलों को ये आदेश दिया है कि रिक्त सीटों का ब्यौरा अपने जो है मेन गेट पर लगाएं, ताकि अभिभावकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और हमने जो है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जो है रिक्त सीटों का ब्यौरा यहाँ चस्पा दिया गया है, ताकि अभिभावकों को आसानी से जिस स्कूल में रिक्त सीटें हैं उनको भरने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। कब से फार्म स्टार्ट हैं सर, और कब तक जमा होंगे? आज से फार्म स्टार्ट है और इसकी अंतिम तिथि जो है 4 तारीख है, 7 तारीख को जो इनका एग्जाम होगा, और उसके बाद जो है इनके क्वालिफाई जो करेंगे मेरिट के अकॉर्डिंग उनको स्कूल अलाट कर दिया जाएगा।